तो चलो प्यारे बच्चों, इस वाले सवाल को देखो कि अगर इसमें कहते हैं पिकअप द करेक्ट स्टेटमेंट, करेक्ट स्टेटमेंट इसमें से सेलेक्ट करना है एरिया अंडर द एटी ग्राफ। अगर ए एक्सलेशन और टाइम का ग्राफ बना जाए, इधर एक्सलेशन है इधर टाइम है, और ये मैं एक ग्राफ प्लॉट कर दिया, चलो मान लो एक रिक्टेंगल है तो ये टाइम है और यहाँ पर समय 0 था और यहाँ पर कुछ एक्सलेशन था और यहाँ पर समय 0 था, यहाँ पे टाइम टी है, तो ये आ जाएगा। तो अगर मैं इसका एरिया निकालता हूँ तो एरिया इज इक्वल टू डेल्टा डेल्टा ए एरिया इज इक्वल टू, तो दिस एक्सलेशन मल्टीप्लाइड बाय टाइम टी। एक्चुअली एक्सलेशन क्या है कि यहाँ से लेके इस पॉइंट और इस पॉइंट का मल्टीप्लाई है, मतलब और एक्सलेशन ए और टाइम इस पॉइंट और इस पॉइंट का मल्टीप्लीकेशन है, दैट इज डी टी। तो वेलोसिटी बी इज इक्वल टू एक्सलेशन ए इज इक्वल टू होता है डी बी ओवर डी टी। तो इसका मतलब ये हुआ कि डी बी इज इक्वल टू ए डी टी, ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो एरिया होता है, एरिया वो ए डी टी क्या है, ए डी टी चेंज इन वेलोसिटी है डेल्टा बी। तो जो एक्सलेशन टाइम ग्राफ का एरिया होता है चेंज इन वेलोसिटी देता है, न कि वेलोसिटी देता है, ठीक है। तो ये गलत बात है, तो चेंज इन वेलोसिटी सही है, ठीक ना। ये तो ये सारी चीज़ें, और पाथ ऑफ प्रोजेक्टाइल सीन बाय अनदर प्रोजेक्टाइल स्ट्रेट लाइन होता है ना कि पैराबोला होता है। तो ये एक प्रोजेक्टाइल से दूसरे प्रोजेक्टाइल को देखे हुए तो ये सीधी लाइन में जाएगा। एरिया अंडर ए वेलोसिटी ऑलवेज रेस्ट फ्रेम ऑफ रेफरेंस, ए बॉडी वेन ईवर इट्स मोशन ऑलवेज एट रेस्ट इन ए फ्रेम ऑफ रेस्ट फिक्स टू अदर। ये भी एक गलत स्टेटमेंट है।